हेलो गाइस, मैं हूँ NIBMS का स्टूडेंट और माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस आज जो है आयुष मिनिस्ट्री ने दो वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ किया है। उन्हीं नोटिस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, एक जो नोटिस रिलीज़ किया है वो थर्ड राउंड मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है उसको चेंज किया है। उसी की रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने नोटिस रिलीज़ किया है कि उसको यहाँ पर इन्होंने क्यों चेंज किया। ओके गाइस, और दूसरा नोटिस यहाँ पर रिलीज़ किया है, वो नोटिस रिलीज़ किया है कि जिस कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई, उसने एडमिशन ले लिया, तो अपनी सीट को कैसे कैंसिल करवाए और उसको क्या सिक्योरिटी जो मनी है वो रिफंड होगी या फिर नहीं, और किसी कॉलेज में यदि बॉन्ड है तो उसको बॉन्ड देना पड़ेगा नहीं, तो उसी की रिगार्डिंग यहाँ पर उन्होंने दूसरा नोटिस रिलीज़ किया है। ओके गाइस, तो दोनों ही नोटिस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं नोटिस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ओके गाइस, तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखिए। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के, वीडियो को एंड तक बने रहे। हेलो गाइस, तो आप जैसे आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट AACC पर आओगे, तो उसके आने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से आपको दिखेगा न्यूज एंड इवेंट्स, और इसी पर आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दो हैं दो न्यू नोटिस आपको यहाँ पर दिखेंगे। एक नोटिस है सीट कैंसिलेशन फॉर फैसिलिटी राउंड वन एंड राउंड टू एडमिट कैंडिडेट। ओके गाइस, और दूसरा नोटिस है रिवाइज शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड। ओके गाइस, तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो आज आयुष मिनिस्ट्री ने रिलीज किया, और इन्हीं नोटिस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिवाइज शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड। ओके गाइस, तो ये जो है शेड्यूल इन्होंने क्यों रिवाइज किया है, इसी के बारे में इन्होंने इस नोटिस में बताया है, और इसी के बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले। ओके गाइस, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिवाइज शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड के बारे में। ओके गाइस, तो गाइस आप ये नोटिस देख सकते हो 12/1/2021 का है। ओके गाइस, तो देखते हैं इस नोटिस में इन्होंने क्या बोला है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट रिगार्डिंग सेंट्रलाइजिंग काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर ओप ASU एंड H अंडर ग्रेजुएट कोर्स फॉर द अकेडमिक ईयर 2020-21। ओके गाइस, और फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल नीट 2020 क्वालिफाइड कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन ACCC UG काउंसलिंग 2020। ओके गाइस, तो जो भी कैंडिडेट नीट 2020 में क्वालिफाइड कैंडिडेट है और वो यहाँ पर ACCC UG काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उनके लिए यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि गाइस, इसलिए इन्होंने जो है शेड्यूल रिवाइज़ किया है कि मेनी स्टेट जो है काफ़ी सारे स्टेट उनकी जो काउंसलिंग है स्टेट काउंसलिंग वो डिले हो गई है, और उसी की वजह से इन्होंने जो अपना थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है वो रिवाइज्ड किया है। ओके गाइस, तो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है कि जो मेनी स्टेट है स्टेट कोटा स्टेट काउंसलिंग जो इस डिले, और इसी की वजह से इन्होंने जो अपना शेड्यूल थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड का शेड्यूल जो है वो रिवाइज्ड किया है। ओके गाइस, और इनका जो रिवाइज शेड्यूल है इनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, तो देखते हैं इनका रिवाइज शेड्यूल जो है नया शेड्यूल है वो क्या है, उसमें आपके जो मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन है वो कब से होंगे। ओके गाइस, तो देखते हैं नया शेड्यूल जो है मॉपअप राउंड का क्या है। तो गाइस, आप जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ से आप जो है काउंसलिंग शेड्यूल इस पर आपको क्लिक करना, और यहाँ से आपको जो है वो नया जो इनका नया शेड्यूल है उसको यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना, और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट राउंड और यहाँ पर सेकेंड राउंड जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। ओके गाइस, अब बात करते हैं हमारा थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप राउंड। तो इसके यहाँ पर जो अब जो इसके रजिस्ट्रेशन होंगे वो 19 तारीख से होंगे, 19 तारीख से इसके स्टार्ट होंगे, जबकि इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले थे वो 13 जनवरी को स्टार्ट होने वाले थे। ओके गाइस, लेकिन अब इसको डिले कर दिया गया है, अब इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे 19 जनवरी 2021 को। ओके गाइस, उसके बाद में इसका जो चॉइस लॉक होगी वो है 24 तारीख होगी, और इसका रिजल्ट जो पब्लिश होगा वो 27 जनवरी 2021 को होगा, और रिपोर्टिंग डेट जो है 28 जनवरी से 8 फरवरी 2021 तक है। ओके गाइस, यहाँ पर अब जो है 12 डेज़ का टाइम दे दिया है, पहले जो है यहाँ पर जो है 10 डेज़ का टाइम था। ओके गाइस, तो ये यहाँ पर आप जो है इसका रिवाइज शेड्यूल यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी जो मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है
वो क्या है नया। ओके गाइस, तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है मोपो राउंड के वो 19 जनवरी से स्टार्ट होंगे, जबकि पहले वाले शेड्यूल के हिसाब से जो है आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 से स्टार्ट होने वाले थे। ओके गाइस, तो ये इनका ये नया शेड्यूल है जो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि जो दूसरा नोटिस है इन्होंने रिलीज़ किया है सीट कैंसिलेशन के बारे में, तो उसी के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, गैस आप देख सकते हो नोटिस भी जो है वो 12/1/2021 का नोटिस है, तो देखते हैं इस नोटिस में इन्होंने क्या बोल रखा है। ओके गैस, तो यहाँ पर इन्होंने बोल रखा कि अटेंशन कैंडिडेट रिगार्डिंग सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा सीट ऑफ ASU एंड H अंडर ग्रेजुएट कोर्स फॉर द अकेडमिक ईयर 2020-21। ओके गैस, उसके बाद यहाँ पर बोल रखा है कि ऑल द नीट 2020-21 अंडर ग्रेजुएट BMS, BSMS, BUMS और BHMS एस्पिरेंट कैंडिडेट, उनको यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है कि जो कैंडिडेट राउंड वन और राउंड टू में एडमिट हो चुके हैं और वो कैंडिडेट अपनी सीट को कैंसिल करवाना चाहते हो, तो उनके लिए यहाँ पर जो है फैसिलिटी उपलब्ध है और वो इस टाइम पीरियड के जो अंतराल है वो अपनी सीट को जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दे रखा है 12/1/2021 से 17/1/2021 के बीच में, तो इसके बीच में जो है अपनी सीट को जो है आप कैंसिल करवा सकते हो। ओके गाइस, तो ये हुई आपकी टाइम की बात, किस टाइम के अंतराल जो है आपको सीट अपनी कैंसिल करवानी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इन्होंने इस नोटिस में मेंशन कर रखा है, और तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना यदि आप भी जो है सीट कैंसिल कराने की सोच रहे हो तो। ओके गाइस, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि सब्जेक्ट टू रूल्स या रेगुलेशन या बॉन्ड कंडीशन इफ एप्लीकेबल, मतलब जो है किसी भी कॉलेज में यदि बॉन्ड है तो वो एप्लीकेबल होगा और आप सीट कैंसिल करवा रहे हो तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पर बोल रखा है ऑफ द कंसीडर स्टेट या यूटी वेयर कॉलेज इज सिचुएटेड फर्दर, मतलब वो कॉलेज जिस भी स्टेट में सिचुएटेड होगी, मतलब जिस भी स्टेट में होगी उस स्टेट के रूल्स के हिसाब से आपकी सीट जो है वो कैंसिल की जाएगी। ओके गाइस, उसके बाद बोल रखा है सच कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा सीट काउंसलिंग, मतलब आप फिर से जो है ऑल इंडिया कोटा सीट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके गैस, और आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको भी आप जो है फॉरफिट कर लिया जाएगा। ओके गैस, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मैंसन कर रखा है कि आपको बॉन्ड होगा तो बॉन्ड भी देना पड़ेगा और आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको भी फॉरफिट कर लिया जाएगा। ओके गैस, तो यदि ये दो इम्पोर्टेंट अपडेट थे जो आपके साथ शेयर करने थे जो मैंने शेयर किए। ओके गैस, और यदि इन अपडेट से कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। ओके गैस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके गैस, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो मॉपअप राउंड है उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके गैस, और कुछ फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उन फैक्टर की वजह से जो है आपकी जो मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड की जो कट ऑफ है वो डाउन जाने वाली है, तो उन सारे जो पॉइंट के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गैस, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। ओके गैस, तो यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।